5 दिवसीय दीपोत्सव के त्योहार दीपावली का आगाज हो चुका है और बाजार भी सज चुके हैं। बाजारों में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, तो इसके साथ ही दिवाली में सबसे बड़े आयोजन के रूप में मनाया जाता है वो होती है आतिशबाजी, और आतिशबाजी के बाजार भी आगरा में सज चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हम इसमें खड़े आगरा के आतिशबाजी बाजार में ये दुकानें सजी हुई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से ये पटाखों की दुकानों के लाइसेंस दिए गए हैं और लाइसेंस के आधार पर एक जगह सुनिश्चित की गई, स्थान तय किए गए हैं, अलग अलग जगह पर स्थान तय किए गए हैं जो आबादी क्षेत्र से बाहर हैं, आबादी क्षेत्र से दूर हैं, उन जगहों पर बाजार सजाए गए हैं और यहाँ सुरक्षा के विशेष इंतजाम का ध्यान रखा गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की, दमकल विभाग की गाड़ी खड़ी है। ये बाजार है पटाखा बाजार और पीछे दमकल की गाड़ी खड़ी है। सुरक्षा के लिहाज से दमकल की गाड़ी व्यवस्था की गई, साथ ही बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी दुकानदारों द्वारा पूरी व्यवस्था, पानी के रखे हुए बालू है और होते हैं वो दुकानों में रखे हुए हैं। यहाँ तक जब देखेंगे सबकी ओर तो सेफ्टी का है उसका विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। आतिशबाजी का जो बाजार है वो थोड़ा सा क्या से उसी लिहाज से इस बाजार का पूरा ध्यान रखा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, दमकल की गाड़ी को खड़ा किया गया है और यहाँ अपनी ओर से भी दुकानदारों ने पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए बाजार में बच्चे अपने परिजनों के साथ पहुँच रहे हैं। इस बार बाजार में दीपावली के त्यौहार पर पटाखों में क्या नया है, फुलझड़ी हो, आतिशबाजी हो, स्काई शॉट्स हो या फिर ये बम है जो धमाके हैं, जो धमाके ये देखिए दुकान पर लोग खड़े हैं, खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, बच्चों के साथ पहुंचे हैं, परिजन पहुंचे हैं, बच्चों को पटाखे दिला रहे हैं और दिवाली का त्यौहार है तो पटाखों की आतिशबाजी की धूम तो बनती है। इस बार हम दुकानों में खड़े हैं और दिखाएंगे इस बार दिवाली पर क्या कुछ नया है, क्या कुछ विशेष है। वो में भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन। अरे दिवाली में क्या कुछ नया है इस बार? ही काफी सारे नए नए ब्रांड्स हैं और सबने अपने अपने अलग अलग चीजें हैं, स्काई शॉट्स वगैरह हैं। ये दिखाइए जरा क्या कुछ नया है आपके पास? जैसे स्काई शॉट्स हैं, 12 साउंड है, ये ऊपर जाके फटेंगे है ना, एक एक करके है ना, और ये एंग्री बर्ड है। एंग्री बर्ड ये बच्चों का हाँ एक गेम है, आतिशबाजी है, ये एंग्री बर्ड साउंड कितने साउंड है इसके अंदर? 5 साउंड्स हैं, 5 पीस हैं इसके अंदर ना, अनार की तरह है, काफी बढ़ जाएगा। उसके बाद ये साइरन टाइप से रॉकेट है ना, अलग अलग टाइप के रॉकेट है। इसके अंदर क्या है, एक बॉम्ब सा ऊपर है, ऊपर जाके ब्लास्ट होगा फिर कलरफुल हो जाएगा। जी पेन पे क्या है ये, कौन सा पटाखा है ये? अलग अलग वो है स्काई शॉट्स हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के स्काई शॉट्स हैं। यस हाँ जी, इसके अंदर 5 पीस हैं और 5 अलग अलग कलर के स्काई शॉट्स होंगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग हाँ साथ में। हाँ हाँ, ये आसमान में जाके ऊपर जाके फटेंगे। हाँ हाँ, पूरा कलरफुल कर देंगे आसमान। अच्छा, पूरी दुकान आपकी सजी हुई पटाखों से, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा आ रहा है, पहली बार लगी है इस एरिया में, ठीक है, अच्छी बात है, पसंद कर रहे हैं। हाँ, किस चीज की डिमांड ज्यादा है? स्काई शॉट्स की डिमांड है कि मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ऊपर जाके ना, और बच्चों के लिए फुलझड़ी वगैरह जैसे लोग चलाते हैं अपना नॉर्मल। देखिए ये दुकान आपको दिखा रहे हैं, पूरी दुकान सजी हुई है आतिशबाजी पटाखों से, फुलझड़ी हो, स्काई शॉट्स हो, रोशनी हो, धमाके हो या फिर बच्चों के छोटे पटाखे, छोटी आवाज के छोटे खिलौने के रूप में जो बनाए गए पटाखे हैं, जो गेम्स के रूप में बनाए गए, एंग्री बर्ड्स है तमाम उस तरह के पटाखे वो बनाए गए हैं। और हमारे साथ एक भैया है जो खरीदारी करने आए अपने बच्चों के साथ में। हिमांशु जी, आप बच्चों को खरीदारी कराने आए दिवाली पर? हाँ, अब यही बच्चों का ही त्योहार होता है और बच्चों का मनोरंजन होता है, तो उनकी पूर्ति करना तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने भी अपने बचपन में जो है खूब पटाखे फोड़े हैं। साल भर में एक बार का एक दिन आता है त्योहार, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं बच्चों के साथ में। अब बड़े हो गए तो हम पटाखे कम, मिठाइयों पर ज्यादा जोर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना। हमारी निगरानी में बच्चे थोड़े से आतिशबाजी का आनंद लेते हैं, उनकी खुशी हमारी खुशी होती है। बच्चों को पटाखे दिलाने आप आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है बेटे आपके बाजार में? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये पटाखे मेरे आ रहे हैं। आपके चुने हुए फेवरेट पटाखे हैं? हाँ, आपको पसंद आ रहे हैं? ये मेरे को पसंद आ रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि पटाखों को चलाते समय सेफ्टी का ध्यान रखें, आपके साथ ही चलाए, किसी बड़े के साथ, किसी बड़े के साथ मौजूद हों। सर और कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं पहली दफे निकला हूँ अभी, तो देखते हैं अभी कुछ नया है तो नए नए हर बार ही आते हैं, इस बार भी
रहे हैं, कुछ ये एंग्री बर्ड पे बना रहा है, ये गधा रॉकेट है, कुछ लाइक मतलब रिलीजियस आगे हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े। तो उस दौर में पटाखे कैसे होते थे, कितना कुछ टेक्नोलॉजी अलग, इस समय की टेक्नोलॉजी अलग है। उस समय जनरली केवल रॉकेट हुआ करते थे, आज तमाम तरीके के स्काई शॉट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें मार्केट में तमाम तरीके की आकृतियां बनती हैं, जिसमें कई सारी हमारे संस्कृति को भी दर्शाती हैं। ऐसे भी पटाखे मैंने देखे हुए हैं, अभी पीछे रामलीला ग्राउंड में जाकर के देखा था, वहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक पटाखों की आकृति, सांस्कृतिक आकृति वाले पटाखे देखने को मिले थे। एक अलग ही अनुभूति हमारे समय में, लगभग 30 साल पहले 40 साल पहले वो चीज़ें कम थी। समय किसी चीज़ें पटाखे भी बदले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।